आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मुंबई के आजाद मैदान पर आजादी मार्च के दौरान शर्जील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली उर्वशी चुड़ीवाला के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस थाना में देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बताया, उर्वशी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर देश विरोधी नारे लगाए थे। पुलिस ने वीडियो फुटेज की जांच के बाद उर्वशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल भाजपा नेता किरीट सौम्या ने इस मामले में शिकायत दर्ज की थी। आपको बता दें कि मामला क्या है। दरअसल मुंबई में हर साल एलजीबीटी समुदाय समलैंगिकों के अधिकारों को लेकर क्वीर आजादी मार्च निकालता है। हम सफर ट्रस्ट की ओर से यह मार्च मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में निकाला जाता है, लेकिन इस बार पुलिस ने आजाद मैदान में मार्च निकालने को कहा। पुलिस ने सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर नारेबाजी नहीं करने की हिदायत देकर मार्च निकालने की अनुमति दे दी, लेकिन मार्च में जमकर शर्जील के समर्थन में नारे लगने लगे। आयोजकों ने नारेबाजी की निंदा भी की। क्वीर आजादी के आयोजकों ने नारेबाजी से खुद को अलग कर लिया। समलैंगिक संगठनों की ओर से बयान जारी कर भड़काऊ और कट्टरपंथी नारों की कड़ी निंदा की गई थी। बता दें कि शर्जील इमाम ने दिल्ली के शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के विरोध में जारी धरना प्रदर्शन में असम को भारत से अलग करने की बात कही थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार किया था। वहीं शर्जील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली उसकी समर्थक उर्वशी चुड़ीवाला समेत 50 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल शुरू कर दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की न सिर्फ तारीफ की है बल्कि उनके काम के लिए उन्हें सैल्यूट भी किया है। दरअसल पीएम मोदी द्वारा कोरोना वायरस की वजह से चीन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए उठाए गए तत्वरित कदम की शत्रुघ्न सिन्हा ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जल्द कदम उठाना हमेशा अच्छा रहता है। बता दें कि अब तक चीन में फंसे 600 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को विशेष विमान से वापस लाया जा चुका है। भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेबाक बयानों की वजह से पहचाने जाते हैं। उन्होंने हालिया घटनाक्रम के बाद पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा, राजनीति को एक तरफ रखकर यह काम राष्ट्रहित में किया गया है। मैं कृतज्ञता के साथ आपको और आपके लोगों को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इमरजेंसी के हालात में तत्काल कदम उठाते हुए भारतीयों को बाहर निकाला है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जल्द और जल्द ज्यादा बेहतर होता है। इसके पूर्व सिन्हा ने एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ और एयर इंडिया के साथ क्रू की सभी काम के लिए तारीफ की थी। कैंसर जैसी बीमारी के बाद उचित इलाज और सावधानी से आपकी जान बच सकती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लड़ा जाए तो उसे हराया जा सकता है। ऐसी कई बॉलीवुड की हस्तियां हैं जिन्होंने कैंसर से जंग लड़ी है और जीती भी है। इनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला और लीसा रे के नाम सामने आते हैं। तो वहीं क्रिकेट स्टार युवराज सिंह ने भी कैंसर को हराया है। कैंसर की बीमारी को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बीमारी के लक्षण आखिरी स्टेज में पता चलते हैं, जिसकी वजह से कई बार मरीज की जान चली जाती है। अगर वक्त पर कैंसर की बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। कैंसर की जंग को जीतने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस का आयोजन किया जाता है, ताकि लोग इस बीमारी को लेकर जागरूक रह सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल होने वाली 6 मौतों में से एक मौत की वजह कैंसर की बीमारी होती है। साल 2018 में कैंसर की बीमारी की वजह से दुनिया भर में 96 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर दलितों आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। किसान कर्ज माफी के इंतजार में आत्महत्या कर रहा है। रोजगार युवा हताश और अवसाद का शिकार हो रहा है। कन्याएं अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उपहार राशि का इंतजार कर रही हैं। संबल योजना के हितग्राही कफन सहायता, मृत्यु सहायता की आशा में रोज बैंक से खाली हाथ लौट रहे हैं। खाली खजाने का हवाला देकर कमलनाथ सरकार गरीबों की योजनाओं को बंद कर रही है। वहीं दूसरी ओर आईफा अवार्ड के नाम पर सरकार अपनी वाहवाही में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यह आईफा अवार्ड प्रदेश की जनता के पैसों से हो रहा है। कमलनाथ सरकार के नाकारापन, वादा खिलाफी और दलित और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों का जश्न है आईफा अवार्ड।
उन्होंने कहा कि गरीबों की चिंता करने की बजाय कमलनाथ सरकार फिल्मी सितारों की आवभगत में लगी हुई है। प्रदेश की जनता हलाकान और नाचने वाले सरकारी मेहमान बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को आईफा अवार्ड जैसे नाच गाने का शौक है तो बड़े शहरों में जाकर अपने पैसों से अपने शौक पूरे करें। जनता की गाढ़ी कमाई ऐसे आयोजनों पर खर्च करना जनता का अपमान है जिसे प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब प्रदेश में एक नया आइटम दिखाई जा रही है, वो आइटम का नाम है आईफा अवार्ड। भोपाल इंदौर शहरों में जैसा बताया गया है ये अवार्ड आयोजित होगा, लगभग 60-70 करोड़ रुपये इस अवार्ड में खर्च होना है। प्रदेश की जैसी आर्थिक स्थिति है स्वयं सरकार स्वीकार करती है इस बात को, ना उसके पास किसानों की ऋण माफी के लिए पैसा है, ना बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए पैसा है, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और तो और कन्यालाल में जो स्वीकृत राशि है 51,000 रुपया, वो 51,000 रुपया भी हजारों कन्याओं के खाते में आज तक 6 महीने हो गए नहीं पहुँची है। अनेकों ऐसे विषय, कफन दफन का पैसा भी 5,000 रुपया सरकार नहीं दे रही, जो संबल योजना है उसका 2,00,000 रुपया नहीं दे रही, जो मृत्यु होती है 4,00,000 रुपया दुर्घटना से उसको नहीं दे रही। अनेकों ऐसी बातें हैं जिनमें सरकार को पैसा तत्काल देना चाहिए नहीं दे रही, लेकिन अब उसके लिए हीरो और हीरोइनों के लिए उनके आनंद लेने के लिए भोपाल इंदौर में कार्यक्रम करना है। मैं मान के चलता हूँ कि यह फिजूल खर्ची है और तत्काल प्रभाव से इसको बंद होना चाहिए। ये आईफा वाईफा अवार्ड जो है ये बम्बई दिल्ली के लोगों का है, मध्य प्रदेश वैसे भी एक प्रकार से मैं मान के चलता हूँ कि फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और आर्थिक संकट के इस समय में एक एक पैसे का सदुपयोग कमलनाथ की सरकार को करना चाहिए। यही मेरी उनको सलाह है, यदि वो आईफा अवार्ड करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि प्रदेश के गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों और बेकारों के ऊपर, लाचारों के ऊपर, और तो और उन गरीब कन्याओं के जिनके खाते में पैसे नहीं गिरे हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा वज्रघात होगा, और वो इस कार्यक्रम के लिए रोके, मेरी यही अपेक्षा है उनसे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि एक तरफ सरकार खाली खजाने का रोना रो रही है, तत्कालीन भाजपा सरकार पर दोषारोपण कर रही है कि खजाना खाली छोड़ा गया, लेकिन फिजूल खर्ची के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? पता चला है कि सरकार आईफा अवार्ड पर करीब 58 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है। यह राशि और भी ज्यादा हो सकती है, इसकी तैयारियों के लिए सरकारी मशीनरी को लगाया गया है, लेकिन प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक साल बीत जाने के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वृद्ध जनों के लिए जिलों की निराश्रित निधि के 750 करोड़ भी अन्यत्र खर्च कर दिए। अतिथि शिक्षक पिछले 53 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार का यह तर्क है कि आईफा से रोजगार बढ़ेगा, यह हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आइए आपको दिखाते हैं छिंदवाड़ा मर्डर की कुछ तस्वीरें। ये आपके विकास की कहानी कहती हैं। ये तस्वीरें आपके छिंदवाड़ा के परासिया के दरबई गांव में शासकीय स्कूल की हैं। ये आपके आईफा की चकाचौंध से बिल्कुल उलट हैं। हालात बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री जी, आप छिंदवाड़ा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा बताते हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ के शासकीय स्कूल में शिक्षक यदा कदा ही मिलते हैं, पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पढ़ने आए बच्चों से शौचालय के लिए पानी ढुलवाया जा रहा है। अब आप सुनिए कि स्कूल में पढ़ने वाली तीसरी कक्षा की छात्रा कह क्या रही है। पानी क्यों ला रहे थे बेटा? मैडम ही बोलती है। कौन सी मैडम? कितने दूर से पानी लाते हो आप लोग? पास ही में है, थोड़ा दूर। आप लोग पढ़ाई करने आते हो कि पानी ढोने आते हो यहाँ पर? पढ़ाई करने। तो फिर पानी क्यों बुलवाती है मैडम? संदास में डालने के लिए। तो सुना आपने, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली राजनंदनी कह रही है नागवंशी मैडम रोजाना संदास के लिए पानी ढुलवाती है। अब देखिए शिक्षकों के हाल, इनमें भी बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि दिखाई नहीं देती।
शिक्षक आए दिन स्कूल से गायब रहते हैं और पूछने पर पता चलता है कि वे शादी समारोह में गए हैं। अब प्रदेश में स्कूलों की शिक्षा का क्या स्तर है, यह तस्वीरें देखकर साफ हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा शिक्षकों का शादी में जाना ज्यादा जरूरी है। ये पानी आप लोग क्यों लाते हो बेटा? ये संडास में डालने के लिए। कौन बुलवाता है पानी? मैडम जी। कौन, क्या नाम है मैडम का? राजकुमार। और पीने का पानी? पीने का पानी है कम से। ये रोज पानी आप लोग से बुलवाते हैं? जी सर। मैडम कहाँ है नागवंशी मैडम? शादी में गई। उसको लाई थी? जी सर। और शादी में चली गई? कितने बजे? 2 बजे। अब जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। अब अधिकारी को समस्या भी बता दी तो उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दे दिया कि स्वच्छता के तहत यह कार्य किया जा रहा होगा। अब सवाल यह है कि बच्चे पढ़ने आते हैं या स्वच्छता के नाम पर शौचालय के लिए पानी ढोने? अब आप ही बताइए कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कहां तक सही है। हालांकि अधिकारी ने शिक्षक की गैर मौजूदगी में कार्य करवाए जाने की आलोचना भी की और जांच कराने की बात भी कही। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और शिक्षा मंत्री प्रभु राम चौधरी जी जरा फिल्मी सितारों की जगमगाती दुनिया से बाहर आकर अपने राज्य में बच्चों का भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को भी रोकिए, नहीं तो जैसे इनका भविष्य अंधकार में है वैसे ही कहीं आपकी सरकार का भविष्य भी अंधकार की ओर ना चल पड़े। सरकार का अगर आपके द्वारा ये बताया जा रहा है और मेरे संज्ञान में भी नहीं लाया गया है, और अगर ऐसे हमारे जो प्रधान पाठक हैं या जो प्रचारगण हैं या जो संबंधित संस्था प्रभारी है, इनसे जानकारी ली जाएगी कि वहाँ पे बच्चों से पानी क्यों डलवाया जा रहा था। और अगर बच्चे पानी लेकर आ रहे हैं तो ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं और उनको पढ़ाई वहाँ पे होना चाहिए। हम सबका ये उद्देश्य है कि भाई शिक्षा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मिले और अच्छी से अच्छी मिले। स्वच्छता अभियान हमारा चल रहा है और वो इसलिए अगर शौचालय वगैरह अगर हम साफ कर रहे हैं तो वो शिक्षक की उपस्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के सुप्रत करके हम चले जाएं कहीं। अगर शिक्षक वहाँ पर खड़े हुए और सामने देखे उनके मार्गदर्शन में अगर ये कार्य बहुत निंदनीय कार्य है उनका, अगर वो लापता है और अगर इस प्रकार की, मैं भी इसमें जाँच कराता हूँ और अगर उसमें जो भी दोषी पाया जाता तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसमें की जाएगी। और शिक्षक का उद्देश्य है कि 1 घंटा पहले साला लगने के पहले आना है और 1 घंटे बाद जाना है। सारे बच्चों को प्रार्थना स्थल से लगाकर शाम की प्रार्थना कराकर उनको छोड़ने के बाद विद्यालय छोड़ना, और इस बीच में अगर वो नहीं रहते हैं तो ये उनकी घोर लापरवाही है, इसमें उसे दंडित भी किया जा सकता है। सर क्या कार्रवाई होगी इसमें? जो भी उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन के माध्यम से हम लोग इसका पूरा प्रपोजल बनाकर देंगे उच्च अधिकारियों को और वो जैसा चाहेंगे वैसी कार्रवाई होगी। मेरे द्वारा उसमें जाँच कर प्रस्तावित जाँच के आधार पर उच्च अधिकारियों को उससे अवगत कराया जाएगा। आने वाले 24 घंटों में महाराष्ट्र के नांदेड़, अकोला, चंद्रपुर के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। फरवरी की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अब भी पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों में शीतलहर का दौर चल रहा है। वहीं कुछ राज्यों में अगले 24 घंटे में बारिश का दौर चल सकता है। मौसम के हालात की बात करें तो अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के कई शहरों में भारी गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बारिश जारी रहेगी। यह बारिश नांदेड़, अकोला, चंद्रपुर जैसे शहरों पर देखी जा सकती है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के अनुसार महाराष्ट्र के अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस पूरे हफ्ते बारिश हो सकती है। उत्तरी पाकिस्तान की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, वहीं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी ऐसे ही चक्रवाती दबाव का क्षेत्र निर्मित हो रहा है। इसके अलावा असम के ऊपर भी साइक्लोनिक प्रेशर बना हुआ है। इस कारण महाराष्ट्र के अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में 24 घंटे में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है।
5 फरवरी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तूफानी बारिश हो सकती है और इसके बाद इसमें थोड़ी कमी आएगी। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश और पूर्व असम के भी कुछ शहरों में हल्की बारिश जारी रह सकती है। हालांकि पंजाब और उत्तर भारत के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव आ गया है। कुछ हिस्से को छोड़कर पूरे राज्य में ज्यादातर हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहे और ठंड महसूस होती रही। पारा सामान्य से 3 डिग्री नीचे गिरा रहा। कवर्धा, बेमेतरा सहित कई इलाकों में बारिश हो रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने व बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ से आगे मध्य प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर पर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में बलरामपुर, बस्तर में बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के मध्य भाग में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। दामोदर वंशी जूना गुजराती अपने समाज के लोगों को जोड़े रखने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। जूना गुजराती समाज में हर 3 सालों में एक बार चुनाव होते हैं, जिसमें समाज के ही अलग अलग पैनल हिस्सा लेते हैं और समाज के लोग वोट करते हैं। समाज का यह चुनाव पूरे नियम कायदे से होता है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराता है। इस बार चुनाव में जूना गुजराती समाज के 3 पैनल शामिल हुए थे, जिसमें महाकाल पैनल ने लगातार 3री बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। गुरुधाम कड़छा में संपन्न चुनाव में महाकाल पैनल ने अध्यक्ष सहित सभी 11 पदों पर जीत हासिल की। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए महाकाल पैनल के वर्तमान अध्यक्ष मोहनलाल चौहान ने कड़े मुकाबले में भंवर लाल जाधव को 86 मतों से पराजित किया। चौहान को 1675 मत व जाधव को 1589 मत प्राप्त हुए। वहीं अध्यक्ष पद के अन्य प्रत्याशी नरेंद्र परमार को 45 मत, बंसीलाल परमार को 304 मत, मनोरमा देवी गोयल को 41 मत प्राप्त हुए। सचिव पद के लिए मुकाबले में महाकाल पैनल के नरेंद्र परिहार ने मोहनलाल मकवाना को 368 मतों से पराजित किया। परिहार को 2003 मत व मकवाना को 1635 मत प्राप्त हुए थे। कोषाध्यक्ष पद के लिए महाकाल पैनल के मनीष सोलंकी ने बालकृष्ण गहलोत को 265 मतों से पराजित किया। सोलंकी को 1869 मत व गहलोत को 1604 मत प्राप्त हुए थे। जबकि ट्रस्टी के 8 पदों के लिए महाकाल पैनल के रमेश चंद्र डाबी 1781 मत, धनराज महेश्वरी 1725 मत, रूप किशोर सोलंकी 1723 मत, गोपाल परमार 1669 मत, हेमराज सोलंकी 1648 मत, महेश चौहान 1633 मत, शांतिलाल पवार 1597 मत व सुभाष गोयल 1569 मत प्राप्त कर विजय हुए। समाज ने मुझे 3री बार मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, जो समाज का बहुत बड़ा एहसान है। और समाज ने मेरे पर विश्वास किया है और समाज का विश्वास जीता है। पैसा भी दिया, धन भी दिया और विश्वास भी दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत मैं आभारी पूरे समाज का व साथ में प्रशासन का भी मैं आभार राख। जो कल भली भांति अध्यक्ष पद से निर्वाचित हुआ हूँ। कड़छा ट्रस्ट के चुनाव के लगातार 3री बार बने निर्वाचन अधिकारी सोहनलाल परमार ने मतगणना के पश्चात विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की। परिणामों की घोषणा होते ही महाकाल पैनल के समर्थकों ने विजेता प्रत्याशियों को फूलमाला पहनाकर बधाई दी और जमकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। शांतिपूर्वक मतदान के लिए पर्याप्त पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई थी। हमारे पास लगभग 6 सद्भावपूर्वक सभी कैंडिडेट्स थे और उनके वोटर्स थे। बहुत शांतिपूर्ण सभी निकले, बहुत अच्छे, बहुत ही शांतिपूर्ण, तारीफ के काबिल है। आज की प्रणाली
जो है निष्पक्षतापूर्ण रही हैं। रात को कुछ जरूर दिक्कत हुई थी, पर पुलिस प्रशासन और शासन का सहयोग से मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है और निर्विवाद रूप से संपन्न हुआ है। चुरहटा थाना क्षेत्र के रहट गांव में अनीता नट नामक महिला की फांसी लगने के कारण मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के संबंध में मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका के साथ ससुराल पक्ष की महिलाओं द्वारा मारपीट की गई और उसे फिर फांसी पर लटका दिया गया। मां ने बताया कि शादी के 2 साल बाद से ही दहेज के लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। मृतका ने फोन पर अपनी मां को अपने साथ हो रही प्रताड़ना का पूरा दुखड़ा सुनाया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाप कहें कि हमका दहेज तो बाप इतना दे कह रहा था नहीं दी। कितना? 50,000। जब साहब बदलिया रही तो हमका दे दी, हम उनका दे दिन, कहाँ पाई गरीब बनाई हम। यही कारण मारी नहीं दुई महिला भौजाई एक बहनी दमाद को, 3 औरत मिल के मारी। अनीता नट नाम की एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल थी और लगभग 5 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। ऐसी जानकारी मिली है कि 6-7 दिन पहले उसने फांसी लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उसे इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आज सुबह सुबह उसकी मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी मृतका के शव का पंचनामा कार्यपालन दंडाधिकारी श्रीमती रत्नराज पांडे द्वारा किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके पश्चात मायके वालों के और गाँव के लोगों का कथन लिए जाकर जो भी उचित कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह, सूबेदार आशीष तिवारी व ट्रैफिक पुलिस की टीम जिले के परसोना खुटार मार्ग पर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची। छात्र छात्राओं को यातायात प्रभारी द्वारा बताया गया कि सड़क पर बाईं तरफ चलें, सड़क के दोनों ओर अच्छे से देखने के बाद ही रेड क्रॉस करें, सड़क पर दौड़े नहीं, सड़क पर सदैव सतर्क रहें, 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के बाद ही वाहन चलाएं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही गाड़ी चलाएं, बाइक या स्कूटी चलाते वक्त उस पर 2 से ज्यादा लोग ना बैठें, चालक तथा सवारी दोनों हेलमेट अवश्य पहने, बाइक कभी भी तेज ना चलाएं, मोबाइल फोन पर गाड़ी एक साथ कभी भी ना चलाएं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य नियमों जैसे कार आदि चलाते समय कार में बैठे हुए हर व्यक्ति को सीट बेल्ट लगानी चाहिए, नशे का सेवन कभी भी गाड़ी चलाते वक्त ना करें, पहले स्वयं नियमों का पालन करें और फिर अपने परिवार और आसपास के लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें, जीवन में गुरुजन माता पिता द्वारा दिए निर्देशों का सदैव पालन करें, सड़क दुर्घटना में पीड़ित को तुरंत प्राथमिक उपचार देने के लिए सजग बने रहें, ट्रैफिक सिग्नल पर हमेशा लाल और हरी बत्ती का पालन करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करें, वाहन के समस्त दस्तावेज सदैव साथ रखें। वहीं यातायात प्रभारी द्वारा विभिन्न यातायात नियमों के पालन करने के लिए शपथ दिलवाई गई। हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज खुटार में स्थित शासकीय जो स्कूल है वहाँ हमने बच्चों को रोड अवेयरनेस और रोड सेफ्टी के बारे में बताया है। उनको बताया है कि जब भी रोड पे जाएं सतर्क रहें, सजग रहें और यदि 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट अवश्य पहने और लोगों को जागरूक करें। सिंगरौली विंध्यानगर थाना अंतर्गत सेमरिया गांव में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सौतेले बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी सौतेली मां की हत्या की थी। विंध्यानगर थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव में अधेड़ महिला के मिले अर्धनग्न शव के मामले में हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। हत्या में शामिल सौतेले बेटे रामजी जायसवाल और उसके बेटे आरोपी संजय साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि मृतका शकुंतला जायसवाल के सौतेले बेटे रामजी जायसवाल और उसका नजदीकी दोस्त संजय साहू ने हत्या की थी। दोनों के विरुद्ध धारा 302-201 का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी रंजन ने बताया कि एएसपी प्रदीप शेंडे व सीएसपी अनिल सोनकर के सतत देखरेख में कार्रवाई की गई। ये बात सामने आई कि अरसे से चल रहे घरेलू कलह और संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर आरोपी सौतेला बेटा रामजी जायसवाल अपनी सौतेली मां शकुंतला जायसवाल से आए दिन विवाद करता रहता था। इसी बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रामजी अपने नजदीकी दोस्त संजय साहू को जमीन और रुपए देने का लालच देते हुए उसको अपने साथ मिला लिया और योजनाबद्ध तरीके से
रात में अनजान व्यक्ति बनकर शकुंतला को घर के बाहर बुलाया और बहाना बनाकर खेत की ओर ले गया, जहां पर धारदार औजार बका से हमला कर दिया। हमले में शकुंतला के सिर में गंभीर चोटें आईं और मौत हो गई। इस दौरान पुलिस और पब्लिक को गुमराह करने के प्रयास में कपड़े दाएं बाएं फेंक दिए और हत्यारे वहां से फरार हो गए। 31 जनवरी को रात्रि तकरीबन 8-9 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि ग्राम समरिया थाना विन नगर अंतर्गत एक जो स्थानीय महिला है उसकी डेड बॉडी घर से कुछ ही समीप में एक खेत के पास पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे टीम के सभी सदस्य वहां पर पहुंचे, हमारी एफएसएल की टीम भी वहां पर गई और हमने उसकी तफ्तीश करना शुरू किया। तफ्तीश करने के दौरान हमें यह पता चला कि ये जो महिला है अपने पति की दूसरी पत्नी है और पहले पत्नी से उसका एक लड़का और है, स्टेपसन है उसका, और वो स्टेपसन जो है उसका नाम गुड्डू है, गुड्डू जायसवाल। वो महिला से रंजिश रखता था, वो इस बात के लिए ऐसा मन में अपना पाल रखा था कि उसके महिला के कारण ही उसका जो पिता है उसको ठीक से प्यार नहीं करता था बचपन में, और साथ ही साथ भूमि में भी जो पैतृक संपत्ति थी उसमें भी वो अधिक हिस्सा चाहता था, उसके मन में लालच थी और इस मार्ग में वो बाधा मानता था उस महिला को, और उसने तकरीबन काफ़ी समय से इस बारे में सोच रखा था कि मुझे इसकी हत्या करवानी है। मिलावटखोरी को रोकने के लिए सरकार ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की, जिसके तहत ग्वालियर प्रशासन ने इस अभियान के तहत पहली कार्रवाई की। प्रशासन ने 10 लाख रुपए कीमत की मिलावटी खाद्य तेल पर बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि खाद्य अधिकारियों द्वारा जांच के लिए परोपकार ब्रांड के गोदाम से रिफाइंड व सरसों तेल के सैंपल लिए गए। जानकारी के अनुसार हजीरा स्थित ट्रिपल आईटीएम के सामने बने गोदाम में 2 टैंकरों से संभावित मिलावटी तेल लाया गया था, जिसकी सूचना पर अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने वहां पर कार्य कर रहे मजदूरों के बारे में भी जानकारी ली। जिला छिंदवाड़ा के परासिया में कोयला व्यापारी और ट्रांसपोर्ट यूनियन की बैठक हुई, जिसमें ट्रक यूनियन ने कोयला व्यापारी को अवैध रुपए देने से इनकार कर दिया। लंबे समय से ट्रक में कोयला भरवाने के लिए कोयला व्यापारी को 500 रुपए टन के हिसाब से देना पड़ता था। इसी बात को लेकर आज दोनों के बीच में बैठक हुई और ट्रक यूनियन ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन देकर करने का निर्णय लिया। व्यापारी ठेकेदारों द्वारा जो 500 रुपए प्रति टन से व्यापारियों को माल के लिए बोला जाता है, उस विषय में आज हमने बैठक करे, जिससे व्यापारी अगर 500 रुपए टन अगर ठेकेदार को नहीं देता है उसकी गाड़ी में खराब माल भर दिया जाता है, जिससे उस व्यापारी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, ना उसका माल बिकता है ना कुछ होता है। इससे परासिया की बाजार की स्थिति बहुत गंभीर होते चले जा रही है। परासिया के ट्रांसपोर्टर पूरे अपने गाड़ी नहीं आ रही है, पूरा धंधा चौपट हो चुका है और परासिया में पूरे ट्रांसपोर्टर की स्थिति पलायन की हो गई है। मंगने गया नहीं, ना मैं मंगने जाऊँगा, ना मैं लेता हूँ, ना मैंने पहले लिया, ना अभी बाद में लूँगा। मेरे नाम से किसी ने लिया होगा तो मुझे नहीं मालूम। परासिया के भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बचाने के लिए संघर्षरत है। इसको लेकर कोयला खदानों में गेट मीटिंग की जा रही है। इसी संबंध में बीएमएस ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सिवनी के धनौरा विकास खंड के तुआ घोगरा गांव में 31 सालों से बैल दौड़ प्रतियोगिता की जा रही है। इसका आयोजन एक बार और किया गया। कार्यक्रम में प्रथम इनाम विजेता बैल जोड़ी के किसान को एक फ्रिज मिला, दूसरी बैल जोड़ी को वॉशिंग मशीन, तो वहीं तीसरी बैल जोड़ी के किसान को सोफा सेट दिया गया। अन्य सभी बैल की जोड़ियों को भी स्वांतना पुरस्कार दिए गए। गौरतलब है कि यह पट प्रतियोगिताएं सिवनी के विकासखंड बरघाट, छपारा, घनौरा, केवलारी क्षेत्रों में बरसों से आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह आयोजन लगभग 30 सालों से लगातार हो रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए अपने अपने घरों से बैल जोड़े लेकर आते हैं। 31वां वर्षगांठ चल रहा है, जो बुजुर्ग लोग चलाते रहे हैं उसको हम लोग चला रहे हैं, और ये जो है 25 रुपए एंट्री थी, तब से हमारे ग्राम तुआ घोगरा में इसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और क्षेत्र में हमारे इस ग्राम पंचायत तुआ घोगरा के अंतर्गत ये जो मैदान है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और यहाँ पर जो है 80-90 किलोमीटर दूर तक के बैल जोड़ी आते हैं, और ये जो है क्षेत्रीय मैदान है, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होता है। काफ़ी लंबे समय से चल रही है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से किसान भाई जो है बैलों की अच्छी सेवाएं देते हैं,
और उन सेवाओं के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग लेने के पश्चात उनकी कीमत जो है कई गुनी बढ़ जाती है और उसके माध्यम से किसान लोग अच्छा पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि बैलों की सेवा हो रही है और उनमें से देखा जाता है ज़िले भर से, यहाँ पर इस मैदान में ही नहीं जिले भर में ये प्रतियोगिता का आयोजन होते रहता है। कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दूर से गांव के लोग आते हैं। बताया जाता है कि स्थानीय समितियों के द्वारा इस प्रतियोगिता में नियम और कानून बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 80 बैल की जोड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में एक छोटी सी बैलगाड़ी रहती है, जिसे बैलों के द्वारा एक निश्चित रास्ते से दौड़ाया जाता है, मगर बैल जोड़ी अगर रास्ते से भटक जाती है तो उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और जो बैल जोड़ी निश्चित जगह पर पहुंच जाती है वो इनाम की हकदार होती है। यहाँ पर बैल जोड़ियाँ कुल 80 जोड़ी यहाँ भाग ले रही है। तो अभी प्रतियोगिता चल रही है, उसमें से कितनी फाइनल हुई है, क्या है आपका ये जो टोटल खेल है कैसे चलता है? ये खेल ऐसा चलता है, 80 जोड़ियाँ को 40 जोड़ी बना करके प्रथम चक्र में निकाल दिए हम, और उसमें से जो 40 जोड़ी जीत कर आई हैं उनके बीच में फाइनल लिया जा रहा है। ये पॉइंट के ऊपर चलता है, 40 जोड़ियां बना करके उनका 20 जोड़ी बना करके फाइनल में लगाया गया है, और जो बैल जोड़ी कम समय में अपना मैदान पार करेगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चौथे का अब हकदार बनेंगे। ब्लॉक में भी होती है, तुलारी ब्लॉक पर भी होती है, बरघाट में भी होती है, ब्लॉक में भी बड़ी जोड़ी होती है, तुलारी ब्लॉक में भी होती है। संत हिरदाराम नगर में बोरवन क्लब द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांधी जी के गाए वैष्णव जन भजन को भी गाया गया। शिविर में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। शिविर में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भाग लिया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में मधुमेह, रक्तचाप, पेट की सभी बीमारियों व लीवर संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञों ने लोगों को संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्लब के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वच्छता को लेकर कई बातें कही गईं, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के संदेश भी दिए गए। आज ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जो बोरवन क्लब और जनम श्री मल्टीनेशनल हॉस्पिटल भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में है। बोरवन क्लब हमारा स्वच्छता के लिए हमारा चौथा शिविर है, और तीन इसके पहले दो बोरवन पार्क में, एक संत जी की कुटिया के सामने, ये चौथा पहली बार दुर्वानी पार्क में लगा है। और बोरवन क्लब हमारा स्वच्छता के लिए, स्वस्थता के लिए काम करता है, तो स्वच्छता के लिए हम लोग करते ही हैं। बैरागढ़ चाहे पार्कों को देख लें, चाहे रोडों को, रास्तों को, स्वच्छता को देख लें, और हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम भोपाल के, तो इस लिहाज से भी हम लोगों को सब हमारी जवाबदारियाँ बनती हैं। उस जवाबदारियों के तहत हम लोग स्वच्छता के काम कर ही लेते हैं, फिर स्वच्छता के लिए भी हम शहर के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, कैसे उनके मतलब परीक्षण हो सके, जांच हो सके, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, लीवर से रिलेटेड डॉक्टर आएँ, पेट से रिलेटेड डॉक्टर आएँ, चर्म से रिलेटेड डॉक्टर आएँ, बाकी हमारी टीम है, पूरी युवा टीम है यहाँ की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।